गरियाबंद जिले में जिला निर्वाचन आयोग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। बता दें कि आयोग ने 1 लाख से अधिक महिला मतदाताओं का एपिक कार्ड के साथ सेल्फी लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके तहत ही संस्था की रीजनल हेड सोनल राजेश शर्मा ने रिकॉर्ड की पुष्टि करते हुए मंगलवार को कलेक्टर दीपक अग्रवाल को इसका प्रोविजनल प्रमाण पत्र सौंपा है। वहीं इस उपलब्धि के बाद कलेक्टर ने कहा कि नारी शक्ति की पूजा आरंभ की तिथि को रिकॉर्ड के लिए चुना गया था। यह रिकॉर्ड नारी शक्ति के जागरूक होने का प्रमाण है। अब शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य भी पूरा होगा। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। हमने आज एक कार्यक्रम रखा था वुमेन सेल्फी विद इपिक, मतलब जो भी हमारी महिला मतदाताएं हैं वो अपने इपिक के साथ सेल्फी लेकर भेजेंगी, और हमने एक ज्यादा से ज्यादा लोगों के सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा था और एक रिकॉर्ड बनाने का भी हमने लक्ष्य रखा था, जिसके तारतम्य हमने लगभग 1 लाख महिलाओं को का लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। अभी तक हमारे पास 80,000 महिलाओं के सेल्फी आ चुके हैं और निरंतर वो आ रहे हैं, तो हमने एक रिकॉर्ड बना लिया है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो शामिल हो रहा है। लेकिन चूंकि डाटा वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद हमको फाइनल जो है प्रमाण पत्र मिलेगा। महिलाओं ने आज ये सेल्फी खींचकर मतदान के लिए प्रेरित हुई तो यह हमारे 80,000 संख्या में हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। चूंकि अभी आंकड़े और आने बाकी हैं, जब आंकड़े पूरे हो जाएंगे, आज हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है जिसमें संख्या नहीं लिखी हुई है, जब उनकी तरफ से हमें आंकड़े प्रदान किए जाएंगे तब हम एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। और बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज गरियाबंद हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर हुआ।